हेलो एवरीवन, तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आईपीएल के सारे सीज़न मिला के सबसे ज़्यादा रन जो बनाए खिलाड़ी उनकी लिस्ट के बारे में। तो इस वीडियो में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और मैं आईपीएल के सारे रिलेटेड अपडेट देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टॉप 30 खिलाड़ी के बारे में, क्योंकि 30 खिलाड़ी लिस्ट है ये। तो 30वें स्थान पर है साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस, जिन्होंने 84 मैच में 2302 रन बनाए हैं। वहीं बात करें 29वें स्थान पर तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ, जिन्होंने 95 मैच में 2333 रन बनाए हैं। वहीं बात करें 28वें स्थान पर तो हैं सचिन तेंदुलकर, भारतीय खिलाड़ी, 78 मैच में 2334 रन बनाए हैं इन्होंने। अगर बात करें 27वें स्थान पर तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी ड्वेन स्मिथ हैं, जिन्होंने 91 मैच खेले हैं और 2385 रन बनाए हैं। अगर 26वें स्थान की हम बात करते हैं तो हैं साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी जैक कैलिस, जिन्होंने 98 मैच खेले हैं और 2427 रन बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं 25वें स्थान पर तो हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शॉन मार्स, जिन्होंने 71 मैच में 2477 रन बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं 24वें स्थान पर तो है संजू सैमसन, भारतीय खिलाड़ी, जिन्होंने 107 मैच में 2584 रन बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं 23वें स्थान की तो है भारतीय खिलाड़ी मुरली विजय, जिन्होंने 106 मैच में 2619 रन बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं 22वें स्थान की तो है भारतीय खिलाड़ी के एल राहुल, जिन्होंने 81 मैच में 2647 रन बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं 21वें स्थान की तो है भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने 104 मैच में 2728 रन बनाए हैं। अगर बात करते हैं 20वें स्थान की तो 20वें स्थान पर हैं भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह, जिन्होंने 132 मैच खेले हैं और 2750 रन बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं 19वें स्थान की तो 19वें स्थान पर हैं भारतीय खिलाड़ी पार्थिव पटेल, जिन्होंने 139 मैच खेले हैं और टोटल 2848 रन बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं 18वें स्थान की तो 18वें स्थान पर हैं ब्रेंडन मैकोलम, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, जिन्होंने 109 मैच खेले थे और 2880 रन बनाए हैं टोटल। अगर हम 17वें स्थान की बात करें तो हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी कैरन पोलार्ड, जिन्होंने 164 मैच में 323 रन बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं 16वें स्थान पर तो 16वें स्थान पर हैं भारतीय खिलाड़ी यूसुफ पठान, जिन्होंने 174 मैच खेले हैं और 3204 रन बनाए हैं टोटल। अगर हम बात करते हैं 15वें स्थान की तो 15वें स्थान पर हैं भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे, जिन्होंने 146 मैच खेले हैं और 3268 रन बनाए हैं। अगर हम बात करें 14वें स्थान की तो भारतीय खिलाड़ी अम्बेटी रायडू हैं 14वें स्थान पर, जिन्होंने 159 मैच में 3659 रन बनाए हैं। अगर हम बात करें 13वें स्थान की तो 13वें स्थान पर हैं दिनेश कार्तिक, भारतीय खिलाड़ी, जिन्होंने 196 मैच खेले हैं अब तक और 3823 रन बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं 12वें स्थान की तो हैं 12वें स्थान पर सेन वाटसन, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, जिन्होंने 145 मैच खेले और 3874 रन बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं 11वें स्थान पर तो भारतीय खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे हैं 11वें स्थान पर, जिन्होंने 149 मैच खेले हैं अब तक और 3933 रन बनाए हैं। अगर हम बात करें 10वें स्थान की तो 10वें स्थान पर हैं भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर, जिन्होंने 154 मैच खेले हैं और 4217 रन बनाए हैं। अगर हम बात करें 9वें स्थान पर तो 9वें स्थान पर भारतीय खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा हैं, जिन्होंने 189 मैच खेलकर 4607 रन बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं 8वें स्थान पर तो 8वें स्थान पर हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय खिलाड़ी, जिन्होंने 204 मैच में 4632 रन बनाए हैं और आईपीएल सबसे ज़्यादा खेलने वाले खिलाड़ी हैं ये 204 मैच। अगर बात करते हैं हम 7वें स्थान की तो 7वें स्थान पर हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी क्रिस गेल, जिन्होंने 132 मैच में मात्र 4772 रन बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं 6ठे स्थान की तो 6ठे स्थान पर हैं साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी एवी डिविलियर्स, जिन्होंने 169 मैच में 4849 रन बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं 5वें स्थान की तो 5वें स्थान पर हैं भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन, जिन्होंने 176 मैच में 5197 रन बनाए हैं।
अगर हम बात करते हैं चौथे स्थान की, तो चौथे स्थान पर हैं भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, जिन्होंने 200 मैच में 5230 रन बनाए हैं। ये भी 200 मैच खेल चुके हैं। अगर बात करते हैं तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डेविड वार्नर, जिन्होंने मात्र 142 मैच में 5554 रन बनाए हैं। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर हमारे भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना, जिन्होंने 193 मैच में 5368 रन बनाए हैं। और नंबर एक पर है हमारे भारतीय खिलाड़ी और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, जिन्होंने 192 मैच खेलकर 5878 रन बनाए हैं। और सबसे शीर्ष पर हैं प्रजवान, तो इस बार 6000 रन भी पूरा करेंगे और पहले खिलाड़ी बन जाएंगे 6000 रन पूरा करने वाले। तो ये है पूरी लिस्ट जो कि अभी तक पूरे आईपीएल सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने की है। हालांकि पिछला सीज़न 2020 वाला सुरेश रैना नहीं खेले थे, अगर वो सीज़न खेलते तो उनसे बराबर में हो सकते थे विराट कोहली के। तो ये पूरी लिस्ट है। डेविड वार्नर काफ़ी कम मैच खेले हैं, फिर भी 5200 रन बना चुके हैं। और क्रिस गेल भी काफ़ी कम मैच खेले हैं, 132। तो ये दोनों काफ़ी कम खेले, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका। तो विराट कोहली का देखते हैं इस बार कहां तक स्कोर जाता है। तो आप बताइएगा इसमें टॉप फाइव में कुछ उलट फिर हो सकता है कि नहीं, और कौन सा टीम इस बार आईपीएल में अच्छा करने वाला है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं सारे वीडियो आपको लेके आने वाला हूँ, मैं आप सब बताने वाला हूँ कि आईपीएल के बारे में। तो चैनल पर जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।